समाजातील गुणवत्तेला प्राधान्य जाहीर करून विद्वान विद्यार्थ्यांना संधी मिळावी ही मागणी करणाऱ्या सेव्ह मॅरिट सेव्ह नेशन आंदोलनात खुल्या प्रवर्गातील असंख्य नागरिकांनी उपस्थित राहून महारॅलीत सहभाग नोंदविला. अमरावतीच्या धामणगाव रेल्वे येथील तहसीलदार भगवान कांबळे यांना निवेदन देऊन शासनाला इशारा देण्यात आला. यावेळी स्थानिक व्यापाऱ्यांनी स्वयंस्फूर्तीने बाजारपेठ बंद ठेवून मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभागी झाले होते. कोणत्याही जाती धर्माच्या विद्यार्थ्यांना आरक्षणाच्या बंधनात अडकवून न ठेवता त्याच्या विद्वत्तेवर प्राधान्यक्रमाने संधी उपलब्ध व्हावी या उद्देशाने या महारॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते. सेव्ह मॅरिट सेव्ह नेशन हे आंदोलन कोणत्याही जाती धर्माच्या आरक्षणाच्या विरोधात नसून शासनाने घटनेच्या नियमांची पायामल्ली करीत राखीव आरक्षणाव्यतिरिक्त उर्वरित 50 आरक्षणाचे उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे समाजातील गुणवत्तापूर्ण विद्यार्थी आणि समाजातील घटक मागे पडत आहे. खुल्या प्रवर्गातील सर्व घटकांवर हा अन्याय असल्याने या आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले असे सेव्ह मॅरिट सेव्ह नेशन आंदोलनाचे विदर्भ प्रांत प्रभारी डॉक्टर अनिल लद्दड यांनी तहसील कार्यालयात बोलताना सांगितले. धामणगाव में सेव्ह मॅरिट सेव्ह नेशन का ये बहुत ही सफलतापूर्वक आंदोलन की पहली शुरुआत है. बहुत बड़ी रैली है. इस पर से सरकार ने और बाकी लोगों ने समझ आना चाहिए कि कितने सारे लोग आहत है, क्योंकि इससे प्रतिभाओं का दमन हो रहा है, प्रतिभाओं का पलायन होना चालू हो जाएगा. अगर हम लोगों ने आरक्षण 50% से ऊपर रखा तो कई युवाओं में अवसाद और कुंठाएं तैयार हो जाएगी. आज अगर हम प्रतिभाओं को आगे नहीं लाएंगे तो फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा. जो आज का मोर्चा है ये किसी भी जाति धर्म और किसी आरक्षण के विरुद्ध में नहीं है. ये संविधान ने जो 50% आरक्षण बोला उससे ऊपर के आरक्षण के विरोध में है, ताकि जो मेहनत करने वाला, परिश्रम करने वाला और प्रतिभावंत बुद्धिमान जो विद्यार्थी है उस पर अन्याय न हो और देश की प्रगति में उसका योगदान ज़्यादा से ज़्यादा रहे. इसीलिए इसका नारा भी है सेव मेरिट सेव नेशन. यावेळी आज 23 ऑगस्ट रोजी भव्य महारॅलीला भागचंद नगर येथील माताजी देवस्थान येथून सुरुवात झाली. जवळपास 8 ते 10 हजार खुल्या प्रवर्गातील नागरिकांनी या महारॅलीत सहभाग घेतला. यावेळी महिलांची उपस्थिती लक्षणीय होती. रॅली माताजी देवस्थान येथून शहरातील शास्त्री चौक, टिळक चौक, सिनेमा चौक, मुख्य बाजारपेठ, गांधी चौक, भगतसिंग चौक होत तहसील कार्यालयावर धडकली. शाळकरी विद्यार्थी शाळेच्या पोशाखात या महारॅलीत सामील होऊन आपल्या हक्काच्या गुणवत्तेवर आधारित आरक्षणाची मागणी आणि उठा जागे व्हा, संघर्ष करा अशा घोषणाबाजी करीत होते. तर व्यापारी वर्ग दुपारपर्यंत आपापली दुकाने बंद ठेवून रॅलीत चालत होते. तहसील कार्यालय परिसरात या रॅलीचे सभेत रूपांतर झाले होते. यावेळी सेव्ह मॅरिट सेव्ह नेशन आंदोलनाचे विदर्भ प्रांताचे जनक डॉक्टर अनिल लद्दड यांनी सभेला संबोधित केले. यावेळी विद्यार्थ्यांचा शाळकरी पोशाख पांढरी टोपी आणि पुरुष वर्ग पांढरा पोशाख, महिलांनी पिवळा साडीचा पोशाख आणि स्वच्छतेचे भान ठेवून शिस्तीत पुढे चालत असलेली ही महारॅली आकर्षणाचे स्थान बनली होती. फरवरी महिने से पूरे विदर्भ में इस आंदोलन की शुरुआत हुई. सबसे पहले अकोला से शुरू हुआ ये और नागपुर ने फिर लिया और उसके बाद में हर कस्बे में, हर छोटे से छोटे तहसील में और जिला स्तर पर यह आंदोलन उत्तरोत्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता रहा. और इसका कारण एक ही है कि आरक्षण की नीति को सरकार ने एक राजनीतिक हथकंडा बना लिया है और उसके तहत ये परवाही नहीं करते कि प्रतिभावान विद्यार्थी जो गुणवत्ता हासिल करके आते हैं उनका क्या होगा. और यदि उनके तरफ दुर्लक्षित दृष्टि से यदि सरकार देखती है तो इसका परिणाम समाज पे क्या होगा, समाज के विकास पे क्या होगा, देश के विकास पे क्या, इसकी परवाह किए बिना केवल राजनीति करते हैं सारी की सारी राजनीतिक पार्टियां. और इसके विरोध में एक आम आदमी को खड़ा रहना बहुत ज़रूरी था और अनीति के विरोध में यदि कोई खड़ा रहता है तो ये स्वागत वाली बात है. सारे समाज आप देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर समाज नहीं है इस आंदोलन में, सारे समाज एकत्रित होकर एक छत के नीचे सेव मेरिट सेव नेशन के नीचे काम कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं. इससे सरकार ने समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो गलत कदम उठा रही है और लोगों में रोष व्याप्त हो रहा है इसके विरुद्ध में. उसको अभी ही कंट्रोल कर ले तो ठीक है, अन्यथा ये क्रांति ऐसी आएगी कि देश की राजनीति को बदल के रख देगी.
कृष्णा, मैं माहेश्वरी समाज से हूँ। सेव मेरिट सेव नेशन की मैं इसमें शामिल हुई हूँ और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारे बच्चे जो बहुत ज़्यादा परसेंटेज लेते हैं लेकिन फिर भी उनका नंबर नहीं लगता है और कम परसेंटेज वालों का लग जाता है। तो हम आरक्षण के खिलाफ नहीं है, बस हमारा ये कहना है कि हमारे बच्चों की जो प्रतिभा है उनको उनके हिसाब से नंबरिंग मिलना चाहिए और सेव मेरिट सेव नेशन यही हमारा नारा है। थैंक यू। शिवस्नेह गणेशोत्सव मंडळ उमरेडचा राजा उत्सव 2019 दिनांक 1 सप्टेंबर 2019 ते दिनांक 14 सप्टेंबर 2019 आपले सहर्ष स्वागत करीत आहे। एक ओंजळ तुमची ही समाज उत्थानासाठी। या शिवस्नेही उपक्रमा अंतर्गत उत्सवा दरम्यान आपण नवीन देसाई अनाथालय चांपा येथील अनाथ मुलांकरिता धान्य तसेच किराणा दान करू शकता। जय शिवस्नेह हो।